कल बैग है, 2 घंटे की लाइन थी, 2 घंटे की लाइन थी, कैसे मिल गया? तो भाई ये है यहाँ का पूरा मेन्यू अलबेग का हमारे सामने। क्या अभी आप मिस कर रहे हो चिराग भैया को आज? तो भैया अभी मैंने मुंबई गया था, वहाँ मैंने एक लैम्बो देखी थी और वहाँ पे मैंने उनसे पूछा था गाड़ी की फोटो ले लूँ, तो मैंने बोला ठीक है ले लो लेकिन दूर दूर से। अब एक बात बताओ, मैं मुंबई जा रहा हूँ, द बेस्ट बैकग्राउंड एवर, पीछे बुर्ज खलीफा और सब्सक्राइब टू YPM व्लॉग्स एंड लाइक द बेल आइकन। वेल सो व्हाट्स द गाइस, वेलकम व्लॉग्स बैक हियर एंड भाई वेलकम बैक टू द चैनल। अभी मैं हूं दुबई मॉल में और अभी क्या खाने वाले हैं? अभी मैं कैसी चीज खाने वाले हूं? बहुत ज्यादा फेमस और हाइप में है। यस, इसको लेने के लिए 3 घंटे वेट करना पड़ता है और मेरे को आपसे तो इसमें मैं DM भी कर रहा हूं कि भाई आप यहां जाओ तो ये जगह का नाम है अल बैक। तो आप खेलने वाले हैं तो कुछ ट्राई, यहां पे तो मीन है वो चिकन है। हां चिकन है और बहुत ज्यादा चीप भी है और एक नंबर यहां का फूड है। तो यहां पे चलते हैं जल्दी से और देखते हैं कितनी लगती है। तो करते हैं अपने आज के व्लॉग को स्टार्ट, सो लेट्स गो। वेल सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम व्लॉग्स बैक हियर। अरे ये अलबैग है, 2 घंटे की लाइन थी, 2 घंटे की लाइन थी, कैसे मिल गया? बस इनको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, थैंक यू भैया जी। कोई जुगाड़ किया हम लोगों ने, बता नहीं सकते अभी हम। तो कुछ ऐसी इसकी पैकिंग है, इस पे चिकन बना हुआ है। अच्छा ये पूरा चिकन ही है? तो हमको बर्गर नहीं मिल पाया आज? बर्गर नहीं मिला क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक है, लाइन देखी थी कितनी लंबी थी, फुल गरम। ये बर्गर बन दिया है साथ में, ये भी एक्स्ट्रा फ्री है सब। ओके, ये चिकन नगेट्स हैं, ये चिकन नगेट्स हैं, 10 पीसेस साथ में फ्रेंच फ्राइज सर्व करे हैं। और ये पहले ये बस आल्सो आल्सो ओनली 15 दिरहम, मतलब यहाँ पे बहुत चीप है 15 दिरहम। चीपेस्ट है यहाँ पे और दुबई मॉल के अंदर। और ये 4 पीस चिकन में, ये स्पाइसी है, नॉर्मल है और स्पाइसी। और ये साथ नगेट्स कितना कुछ आया, तोड़ के खाते हुए दिखाना आप जरा। बिल्कुल, साथ में कोका कोला भी लिया है और इतने हरे हमको यहाँ पे दिए हैं सॉसेस भी। तो भाई ये है यहाँ का पूरा मेन्यू अलबेग का हमारे सामने। हमको तो बर्गर से वो नहीं मिल पाए बिकॉज बर्गर हरे हो गए थे आउट ऑफ स्टॉक, बिकॉज यहाँ इतनी लंबी लाइन है वहाँ पे। तो यहाँ पे चिकन नगेट्स हैं, फ्रेंच फ्राइज, यहाँ पे 4 पीस हैं और यहाँ पे मिल गया सॉसेस 2, एक है नगेट सॉस और एक है गार्लिक सॉस। तो ट्राई करूँ? ट्राई करो। तो ये कह रहे हैं थोड़ा अलग से। अच्छा ओके, ऐसा है ये, डिफरेंट है बिल्कुल। ओके, अभी नॉर्मल नगेट्स की तरह नहीं है। ट्राई करो भैया, आप ही को ट्राई करो। अच्छा ये जो इनका नगेट्स है इसमें बिल्कुल डिफरेंट है, एक चिकन का जिसका पीस होता है टोटल, वो चिकन का पीस है इसके अंदर। समझ गया, मोस्टली ऐसा नहीं होता नगेट्स के। हाँ अलग होता है लेकिन इनका थोड़ा डिफरेंट स्टाइल है, ऊपर से आउटर जो है बिल्कुल नगेट्स जैसा है। इसकी हाइप बहुत ज़्यादा है लेकिन, बहुत ज़्यादा है। ये तो मानता हूँ मैं, और ये साथ में चिकन इसका अलग ही है। अब भाई ट्राई करने वाले हैं और ये स्पाइसी है, मतलब इसमें 2 ऑप्शन आते हैं। हाँ 2 ऑप्शन आते हैं, स्पाइसी भी, नॉर्मल भी, और इसमें ब्रोस्ट में भी यही सेम चीज़ है। इसको बाय द वे ब्रोस्ट बोलते हैं, ब्रोस्ट। वर्त है, स्पाइसी है। ये तो शायद यहाँ पे वर्क करते हैं ना, एम्प्लॉई हैं इसके अंदर ये। तो ट्राई करूँ चिकन, और ये स्पाइसी है। ओके, यम्मी है। ये बताओ कि वैल्यू टू मनी है? बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है। और लाइन में जो 2-2.5 घंटे लोग वेट कर रहे हैं उनको वर्थ था ये ट्राई करना चाहिए एक बार या नहीं लाइफ में? पहली बात तो अगर कोई लग रहा लाइन में देखो कंपैरिजन में इतना बड़ा पकौड़े लग रहे हैं चिकन के। कैसा लगा? मेरे बस की नहीं है भैया, मैं सिर्फ लेके खा सकता हूँ, कुछ नहीं खा सकता। या बोनलेस अभी आप मिस कर रहे हो चिराग भैया को आज? मस्टैंग की चिराग उनकी नहीं है, वो हमारे सर की है। अच्छा। आप मिले थे ना एक बार उनसे? इधर दुबई में मिले। हाँ। तो खाना हमने खा लिया है एंड भैया इसको कितने नंबर दोगे 10 में से? 10 में से 9। नौ आप भैया? 9।
मैं दूंगा 7 बट क्वान्टिटी को मैं दूंगा 10 में से 10 और क्वालिटी को भी क्योंकि एक चीज उन्होंने अच्छी रखी हुई की प्राइस तो है ही अच्छा लेकिन ये नहीं की उन्होंने क्वालिटी गिरा दी हो बहुत अच्छा है और जोर लगाने के बाद भी ये बच गया हाँ ये बच गया ये बच गया हाँ पर अभी तो और भी कुछ ऑर्डर किया था जो कि मिला नहीं है बर्गर नहीं मिला अच्छी बात है नहीं मिला भाई खाई नहीं पाते हम अभी ये कह रहे हैं इनको अभी और लेना है ये लो और खाना मंगवा रहे हैं अलबैग के अलबैग का खाना बुक और लगी अब ये है सेकंड फ्लोर दुबई मॉल का ये पूरा है इलेक्ट्रॉनिक जोन और अभी हम कहाँ जा रहे हैं अभी हम लोग सोचा ही नहीं बुर्ज खलीफा चलते हैं और यहाँ पे वर्ल्ड का बिगेस्ट नाइकी स्टोर भी है सामने वर्जिन मेगा स्टोर भी है हाँ सैमसंग स्टोर तो बहुत बड़ा मैंने आज तक अभी इतना बड़ा सैमसंग स्टोर नहीं देखा अभी मैं आया था नाइकी स्टोर के अंदर मैंने थोड़ी सी शॉपिंग करी है और अभी मैंने देखा स्कैन करके कि अगर सपोज मेरे को मेरा साइज का कुछ और चाहिए तो वो यहाँ पे अभी ऐसे दे जाएंगे अगर मैं यहाँ पे दबाऊंगा रिक्वेस्ट बट ये मेरे को हो गया बिल्कुल परफेक्ट इसलिए मैंने ये ले लिया साथ में आई ऑल्सो हैव गॉट दीज सॉक्स नो शो तो भैया अभी मैंने मुंबई गया था वहाँ मैंने एक लैम्बो देखी थी और वहाँ पे मैंने उनसे पूछा था गाड़ी की फोटो ले लूँ तो मैंने बोला ठीक है ले लो लेकिन दूर दूर से अब एक बात बताओ मैं मुंबई जा रहा हूँ और एक ही दिन वापस आ रहा हूँ और मेरे को लैम्बो दिख जाती है थोड़ा सही नहीं लगा आपको कुछ और लोगों ने इसका मजाक बनाना शुरू कर दिया कोई बात नहीं कोई बात नहीं उड़ा लो मजाक अभी और क्या बोलूँ कुछ दिन रुक जाओ मतलब इसका रीज़न क्या है और समझ नहीं आया आज तक पता नहीं क्या मैंटेलिटी क्या व्यूज़ लेना है भाई व्यूज़ नहीं चाहिए Strategy. तो अभी अलबैग खाने के बाद में हम सीधा जा रहे हैं अपने होटल और अभी थोड़ा सा और मैं और गाड़ी के अंदर फन चाहिए भैया फन चाहिए यस तो खोल लो फिर ऊपर से ये हो रही है गाड़ी कन्वर्ट बट गर्मी भी अब बहुत है गर्मी बहुत है स्पेशली हम लोग पार्किंग में है ना इसलिए ये सही होगा हमारा सामान ना उड़ जाए ओह ये वैसे है कुछ है तो नहीं उड़ने वाला नहीं नहीं देख लो जो उड़ना था वो उड़ गया दिन में गाड़ी का इंटीरियर बहुत अच्छा लगा मेरे को पर्सनली और गाड़ी बहुत बढ़िया लगी ये स्टाइल सबसे बढ़िया लगा ये हाँ ये एसी का ऐसे करके ना द बेस्ट बैकग्राउंड एवर पीछे बुर्ज खलीफा और सामान पड़ा सारा सामान पड़ा सारा भाई उड़ ना जाए कुछ बस बैक एट माई होटल और भाई आज इस वाली गाड़ी ने ना अभी जो माइलेज है मेरे बहुत अच्छी बताई है अनएक्सपेक्टेडली जो इसकी माइलेज निकली है 100 दिरहम में इसमें आया था पेट्रोल 40 लीटर्स और इसमें अभी भी रेंज आ रही है 250 किलोमीटर की और कम से कम गाड़ी चली है 250 किलोमीटर मतलब 500 किलोमीटर इंजन होने के बाद भी हाँ मतलब बहुत अच्छे से हमने गाड़ी चलाई है बहुत ज़्यादा मज़ा आया और अभी गाड़ी है वापस मैं दे रहा हूँ और जो गाड़ी का डिपॉजिट था इसमें मैंने दिया था सिर्फ अपना पासपोर्ट जिन्होंने सिर्फ मेरा लिया था लाइसेंस और इन्होंने से लिया था मेरा पासपोर्ट और जो पासपोर्ट मेरे को मिलता है वो अभी वापस तो भैया कैसे लगी आपको मेरी ड्राइविंग बहुत ज़बरदस्त लगी ऐसा लगता है यहीं से ड्राइव करते हैं लेफ्ट हैंड ड्राइव फिर भी मतलब कोई ऐसा नहीं हुआ एंड मेक श्योर टू फॉलो मी इंस्टाग्राम आईडी जो कि है @thewebinlogs एंड ऑल सब्सक्राइब करना भाई webinlogs क्लिक करना बेल आइकन को एंड सब्सक्राइब टू मोस्टन व्लॉग्स लिंक इन डिस्क्रिप्शन एट द टॉप एंड जल्दी से करो शॉप टी-शर्ट फ्रॉम webinlogs.com क्योंकि मेरा खुद का ब्रांड है तो शॉप webinlogs लिंक इन डिस्क्रिप्शन इसका भी एट द टॉप तो खत्म करते हैं आज के व्लॉग को यहीं पे बाय एंड स्टे सेफ